हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है द नाउन, केस, फंक्शंस और इसके रिलेशंस के बारे में। केस को हिंदी में कारक भी कहा जाता है। केस के थ्रू हमें यह पता चलता है कि नाउन का प्रयोग किस प्रकार से या किस चीज़ के लिए किया गया है। केस ज़्यादातर चार टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है नॉमिनेटिव केस, इसे हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पजेसिव केस और इसे जेनेटिक केस भी कहा जाता है। इसके अलावा लास्ट और फोर्थ होता है वोकेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस दो तरह के होते हैं, पहला होता है डेटिव केस और सेकंड होता है एक्यूजेटिव केस। ये तो नाउन के चार केसेस हैं। इसके अलावा यह दो तरीके से और फंक्शन करता है। फर्स्ट होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, सेकेंड होता है केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। अब हम इन्हें वन बाय वन डिटेल से पढ़ते हैं। फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड इन द नॉमिनेटिव केस। मतलब जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के साथ या सब्जेक्ट के रूप में वहाँ पर यूज होता है तो उसे नॉमिनेटिव केस समझा जाता है। जैसे रीना वॉशेज द क्लॉथ्स। इन वाक्यों में रीना एक नॉमिनेटिव केस है। वर्ब के पहले हु या व्हाट लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिल रहे हैं उसे नॉमिनेटिव केस में समझा जाता है। जैसे हु वॉशेज द क्लॉथ्स, तो आंसर आएगा रीना। रीना वॉशेज द क्लॉथ्स। यहाँ रीना नॉमिनेटिव केस में है। सेकेंड होता है ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस, जिसे कर्म कारक कहा जाता है। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। मीन्स जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम में लिया जाता है तब उसे ऑब्जेक्टिव केस में ही माना जाता है। जैसे सविता रॉट अ लेटर। इन वाक्यों में लेटर शब्द ऑब्जेक्टिव केस है। वर्ब के पहले हुम या व्हाट द्वारा प्रश्न बनाकर ऑब्जेक्टिव केस का पता लगाया जा सकता है। जैसे हरी लव्स मोहन, तो हम इसे बना सकते हैं हुम डज हरी लव्स, तो आंसर आएगा मोहन और इसीलिए मोहन ऑब्जेक्टिव केस में आता है। नेक्स्ट है पजेसिव और जेनेटिव केस, इसे हिंदी में संबंध कारक कहा जाता है। व्हेन द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजीशन और रिलेशन इट इज सेड टू बी इन द पजेसिव केस। मतलब जब किसी नाउन या प्रोनाउन के रूप से अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है तब वह नाउन पजेसिव केस में ही माना जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज राम्स काउ, तो राम्स यहाँ पजेसिव केस में है। और इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, ही इज सोहन्स ब्रदर, तो यहाँ सोहन भी पजेसिव केस में ही है। यहाँ राम और सोहन्स माय और हिज से संबंध या अधिकार का भाव प्रकट होता है और इसीलिए हम इन्हें पजेसिव केस में ही मानते हैं। इसमें एक नोट है, नाउन चाहे नॉमिनेटिव केस में रहे या ऑब्जेक्टिव केस में उसका रूप बिल्कुल नहीं बदलता, लेकिन पजेसिव केस में इसके रूप में परिवर्तन होता है। यहाँ पर पजेसिव केस के कुछ नियम्स बता रही हूँ मैं आपको। इसका फर्स्ट नियम है, कोई सजीव यदि सिंगुलर नंबर में हो तो उसके एंड में एस लगाते हैं। जैसे हरीज हाउस, तो हरी यहाँ पर क्या है, एक सजीव चीज है, एक सजीव प्राणी है, तो इसलिए हमने हरी के पीछे एस लगाया। जैसे हरीज हाउस मतलब हरी का घर। नेक्स्ट इसका है काउज मिल्क, तो काउ जो है वो एक सजीव प्राणी है और इसीलिए हमने काउ के पीछे एस लगाया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट रूल है इसका, यदि कोई सजीव प्लूरल नंबर में है और उसके अंत में एस या ईएस लगा है तो उनके अंत में केवल एक कॉमा लगाया जाता है। जैसे द बॉयज़ स्कूल, द गर्ल्स हॉस्टल,
आई होप ये सभी वर्ड्स आपको क्लियर हो रहे हैं. नेक्स्ट इसका थर्ड नंबर वाला रूल है, प्लूरल नंबर में होते हुए भी जिस नाउन के एंड में एस या ई एस नहीं होता है उसमें एस लगाते हैं, जैसे पीपल्स पैलेस और मैंस क्लब, चिल्ड्रंस बुक, वुमेंस हॉस्टल. इसी टाइप से हम इसे कन्वर्ट करते हैं. इसका नेक्स्ट रूल है, बेजान वस्तुओं का पजेसिव केस बनाने के लिए एस न लगाकर उससे पहले हमें ऑफ लगाकर ही उसको चेंज करना होता है, जैसे द नेम ऑफ द स्कूल और द डोर ऑफ द हाउस, और एक और है द लेग ऑफ द चेयर. अब लास्ट और फोर्थ देखते हैं, वोकेटिव केस. व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू कॉल और टू गेट द अटेंशन ऑफ अ पर्सन और पर्संस. मतलब जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी व्यक्ति को बुलाने या पुकारने के लिए यूज़ किया जाता है या उसका ध्यान अपनी तरफ दिलाने के लिए किया जाता है तो उसे वोकेटिव केस कहते हैं. इसके एग्जांपल्स हैं जैसे मोहन कम हियर, और हम इसे कम हियर मोहन भी बोल सकते हैं. इसमें मोहन एक वोकेटिव केस का एग्जांपल है और मोहन के बाद लगा हुआ कोमा ये डिनोनेट करता है कि यह वोकेटिव केस का है. नेक्स्ट इसमें देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब. तो इसमें सम वर्ब्स डू नॉट कंप्लीट द मीनिंग, दिस आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स. अर्थात ऐसे वर्ब्स जिनमें पूर्ण भाव प्रकट न होता हो उन वर्ब्स के आगे प्रयुक्त होने वाले नाउन्स को कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब्स कहते हैं, जैसे ही वॉज अ डॉक्टर, यू आर अ बेबी, मोहन सीम्स अ फूल और शी बिकम अ नर्स. नेक्स्ट है केस इन अपोजिशन टू अ नाउन. व्हेन टू नाउन्स आर यूज्ड फॉर अ पर्सन इन अ सेंटेंस, सेकेंड नाउन इज कॉल्ड केस इन अपोजिशन ऑफ द फर्स्ट नाउन. अर्थात जब वाक्य में साथ साथ प्रयुक्त दो नाउन से एक ही व्यक्ति का बोध होता है तो दूसरा नाउन पहले नाउन का केस इन अपोजिशन होता है. चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. रेखा माय कजन इज काइंड एंड एफिशिएंट. सुधीर योर नेबर इज अ गुड बॉय. यहाँ सुधीर और नेबर दोनों एक ही व्यक्ति के लिए बताए गए हैं तो यहाँ नेबर वर्ड जो है वो सुधीर का केस इन अपोजिशन हो जाता है. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.